हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सचिन पटेल, कोच एंड ओनर ऑफ दिस एकेडमी। गाइस, आज हम आपको हम बताने वाले हैं कंपाउंड बो को असेंबल कैसे करते हैं और इसको शूट कैसे किया जाता है। गाइस, हमारी ये वीडियो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इससे पहले हमने रिकव एंड इंडियन राउंड बो को असेंबल करने की वीडियोज़ बनाई थी, बट इसके बाद में जो भी हमारी वीडियोज़ आएंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। तो सबसे पहले हम आपको हम बता देते हैं कि इसमें इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या नाम होते हैं। गाइस, ये हमारा हैंडल, ये पूरा कंप्लीट हैंडल कहलाता है। ये है हॉयत कंपनी का इनविक्टा बो। नेक्स्ट है हमारा ये साइटर, जो कि एक्सेल कंपनी का है। और उसके बाद में ये हमारे स्टेपलाइज़र है, लॉन्ग स्टेपलाइज़र। ये है शॉर्ट स्टेपलाइज़र है। और इसका ये जो पार्ट होता है, ये है वीवार है। और नेक्स्ट है ये बो का स्टैंड है। और जो जब प्लेयर सीनियर हो जाते हैं तो वो बो में वेट लगाते हैं, तो ये हैं इनके ये वेट। और हमारा ये नेक्स्ट है, जो ये जो रिलीज़र है, इससे ड्रॉ करके शूट किया जाता है। और ये एलेंकी जो बो को असेंबल करने का इसमें यूज़ होगा। गाइस, सबसे पहले हम अपने हैंडल में स्टैंड लगाएंगे, जो कि नीचे साइड पर यहाँ पर फिट होगा। नेक्स्ट है, इसके बाद में हम स्टेपलाइज़र हम इसमें हम फिट करेंगे। स्टेपलाइज़र फिट करने के लिए सबसे पहले ये वी बार को ग्रिप के नीचे जो होल होता है उसमें यहाँ पर इसको फिट किया जाएगा। वी बार को फिट करते टाइम पे ध्यान देना है कि ये ज़्यादा अप ना हो ना ज़्यादा डाउन। इसको यहाँ पे हैंडल में इसको यहाँ पे स्ट्रेट रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे हम फिट करेंगे स्टेपलाइज़र, लॉन्ग स्टेपलाइज़र को हम यहाँ पर हम फिट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर साइड बार को हम यहाँ पर लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है साइटर, साइटर को हम यहाँ पर हम फिट करेंगे। ये जो होल है यहाँ पर हम साइटर को फिट करेंगे। साइटर को लगाने के लिए ये हमारा एक्सेल कंपनी का साइटर है। ये जो इसका बॉक्स होता है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर हैंडल में हम यहाँ पे फिट करेंगे। और यहाँ पे जो ये गैप बना हुआ है, यहाँ पे हम साइड का हम यहाँ पे हम स्केल लगाएंगे। और इसके बाद में इसका ये जो बोल्ट है, यहाँ से इसको टाइट किया जाएगा। सो गाइस, अभी हमारा हैंडल में स्टैंड, स्टेपलाइज़र सेट और साइटर यहाँ पे कंप्लीट असेंबल हो चुका है। नेक्स्ट इसमें हम आपको हम बताएंगे कि एरो रेस्ट को इसमें कैसे फिट किया जाता है। गाइस, इसमें अब हम एरो रेस्ट को हम यहाँ पे हम सेट करेंगे। सो ये है इसका बोल्ट और ये यहाँ से ऐसा फिट होगा। इसका ये जो फर्स्ट वाला होल होता है, इसमें दो होल होते हैं। फर्स्ट वाले होल में आपको यहाँ से इसको यहाँ से टाइट करना है। को थोड़ा सा और टाइट करने के लिए हम एलेंकी की हेल्प लेंगे।
तो गाइस हमने यहाँ पर एरोरेस्ट को फिट कर दिया है और इसी के साथ में हमारा आज कंपाउंड जो बो है पूरा असेंबल हो चुका है। नेक्स्ट है, इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि वेट का यूज़ कैसे होता है। सो गाइस इसमें साइड बार है एंड लॉन्ग स्टेपलाइजर है, इनको इन स्क्रू के हेल्प से इसमें यहाँ पर फिट किया जाता है। ये इसका यूज़ इसलिए किया जाता है जब प्लेयर शूटिंग करता है और उसका अगर एमिंग वगैरह में या शूटिंग में कुछ प्रॉब्लम जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो वेट का यूज़ करता है। सो गाइस ये हमारा रिलीज़र जिसको अभी हम बताएंगे कि इसको हुक कैसे करते हैं एंड बो को ड्रॉ कैसे किया जाता है। गाइस हमारी ये अपर की जो ये थ्री फिंगर होती हैं इसमें यहाँ पर इसको ऐसा होल्ड किया जाता है और नेक्स्ट है जो एरोरेस्ट के सामने यहाँ पर डी लूप होता है इसमें यहाँ पर इसको ये जो इसका पार्ट है इसको यहाँ पे इसको फिट किया जाता है और थंब की मदद से यहाँ से इसको पुश करके इसको यहाँ पे हुक किया जाता है एंड इसके बाद में इसे फिंगर्स की पावर से इसको ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉ करने के बाद में गाइस एमिंग के लिए स्ट्रिंग में यहाँ पर एक पीप साइट होता है, इसकी मदद से इसको देखा जाता है और साइटर से यहाँ से हेल्प से एमिंग ली जाती है। सो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद में हमारी जो वीडियोस होंगी वो होंगी हमारे जो भी ट्रेनिंग के क्लासेस होती हैं वो हमारी वीडियो हमारी कंटिन्यू आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।